दिया ही नहीं, उसने जीवन भर दान नहीं दिया। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी, कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। ठाकुर देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता, जिन बेचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना? सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान के, अपने लिए बैठे हैं रहने। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी ना आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया, कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली, इधर उधर देखा कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं, एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया और आज आया तो मुर्दा घाट पे। सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दान चंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट। यजमान की जय हो। और दान चंद ने जो देखा कांप गया, सोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं, हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है, तो तुम भले आ गए, एक वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीना, नहीं नहीं, महीने भर नहीं, हम एक दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे, अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। एक धेला उधार किया, एक धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया, बड़ा खुश हुआ कि पंडा को अब कह के आया, एक धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी, अब सोया। अभी सोया ही था तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली, किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे? हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दान चंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला बोला मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी से बोला जाके कह दो को वो बीमार हैं, दो चार दिन बाद आना। सो पत्नी रुवासी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार है, अब बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान है, यजमान बीमार और पंडा चला जाए
और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो, यही टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे खाने पीने का इंतजाम सामान। पत्नी गई लौट के, दानचंद बोले क्या हुआ, बोले वो नहीं जा रहे, वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे देव धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। अब भगवान बोले तुम महिला कहां भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब वो कह रहे नहीं, भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कहे दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भर इकट्ठा। अच्छा वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोवे और रोकर कहे ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था। इसलिए धीरज रखो धीरज। अब वो कहे काय का धीरज, नहीं मरे ये। अब गांव वालों ने बांध लिया, बिचारी रोती रह गई। अब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस न छोड़े, ठठरी पर रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा, ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पर रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है, एक काम करो, क्या यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे। ठीक है, सो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ कर आया हूं। दानचंद ने जो सुना कि भगवान है, तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे। और जैसे ही आंख खोली से देखा वही पंडा, आंख खोल दी जो पंडा देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग ले, मांग ले वरदान कछु। और दानचंद धीरे से बोले धेला दीजिए छोड़। वो धेला छोड़ दे बस।